राजीव, ऐसा की एक और बड़ी खबर है, इस पर मैं जानना चाहूंगा आपसे बाकी जानकारी। ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला, अरुण जेटली, अनुराग ठाकुर, ये लोग मौजूद नहीं है, इसकी खास वजह है। देखिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि वहां पर पहुंचे नहीं, या हो सकता है उनकी फ्लाइट लेट होगी, क्योंकि देखिए वर्किंग कमेटी की बैठक में इन लोगों का होना, क्योंकि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, तो इस लिहाज से उनका पहुंचना जरूरी होगा। निश्चित रूप से कोई दूसरा कारण होगा राशिद, एक आध घंटे मुझे लग रहा है, एक आध घंटे में पता चल जाएगा कि किन कारणों से राजीव शुक्ला नहीं पहुंचे हैं वहां पर। राजीव, दोबारा आपके पास लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की चेन्नई में बैठक शुरू हो गई है, बीसीसीआई प्रमुख श्रीनिवासन मौजूद है, लेकिन आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला अभी तक पहुंचे नहीं है, अरुण जेटली नहीं पहुंचे हैं, अनुराग ठाकुर नहीं पहुंचे हैं, बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक ये शुरू हो गई है। दरअसल आईपीएल के सनसनीखेज स्पॉट फिक्सिंग मामले से आहत बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की चेन्नई में ये इमरजेंसी मीटिंग है, जिसमें इस विवाद के कारण पैदा हुई स्थिति और गिरफ्तार किए गए तीनों क्रिकेटर्स के खिलाफ भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा की जानी है। बीसीसीआई पर कड़ा फैसला करने का दबाव है, क्योंकि धनाढ़ आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ा ये दूसरा मामला है।